I am Professor G.M. Babar, and today we start learning excretion in cockroach. तो हम सीखेंगे कि cockroach किस तरह से excretion करते हैं. तो सबसे पहले cockroach के मतलब कुछ information लेते हैं. Cockroach is related to phylum Arthropoda, having class Insecta. They have open circulatory system. Hemocoels are the cavities and hemolymph is the medium. Hemolymph जो है whitish in color होता है, क्योंकि इनका open circulatory system है, तो RBC का कोई लेना देना नहीं है oxygen की transport से. और इनमें जो transport of gases है वो खास तरह का एक निज़ाम है स्पाइरिकल्स का, जिसके ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करते हैं. ये जानदार दुनिया के कामयाब तरीन जानदारों में से एक हैं. इंटरेस्टिंगली जो कॉकरोच है, ये ऐसा एनिमल है या क्लास इंसेक्टा ऐसे एनिमल से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुनिया के वो वाहिद जानवर हैं जिनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच है. अदरवाइज हमने स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू किया कि किसी भी जानदार में डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजिकली कोई ताल्लुक नहीं होता एक्सक्रीटरी सिस्टम से. बट दीज एनिमल्स हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ये ऐसे जानदार हैं कि जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच होता है. इट इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द कॉकरोच. My dear students, it is a digestive tract of the cockroach. Here is the oral cavity, here is a crop, here is a gizzard, here is a mesenteron stomach, here is a rectum. ये कुछ liver की तरह काम करने वाले structure हैं जिन्हें हम hepatic cecae, singular hepatic cecae कहते हैं. And here are the masterpiece called as Malpighian tubules. Malpighian tubules इसकी cavity hemocoel के अंदर इमर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं. ये इसका प्रॉक्सिमल सिरा है और ये इसका डिस्टल सिरा है. जो प्रॉक्सिमल सिरा है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच है और जो डिस्टल एंड है वो बेटा जी किसके अंदर मौजूद है, हीमोसील के अंदर. और वहाँ पे मौजूद हीमोलिम्फ के अंदर से ये मटेरियल को ऑब्जॉर्व करता है. हीमोलिम्फ से इसके अंदर दाखिल होता है यूरिया, यूरिक एसिड स्पेशली, और दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट. जब ये इसके अंदर दाखिल होता है तो पोटाशियम की मूवमेंट की वजह से पीछे पीछे पानी भी दाखिल हो जाता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और ये मीडियम डाइजेस्टिव ट्रैक में हाइंड गट के अंदर दाखिल होता है. फिर ये हाइंड गट से होता हुआ मटेरियल रेक्टम तक पहुंचता है. रेक्टम में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को और दूसरे मिनरल्स को, जबकि यूरिक एसिड को यहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाता. यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जिसे सॉलिड एक्सक्रीटा कहते हैं, जिसम से निकाल दिया जाता है. सो इट इज़ ए यूनिक सिस्टम जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिजिकल कनेक्शन है विद द डाइजेस्टिव ट्रैक. ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये ब्लाइंड एले हैं, आगे से ये बंद हैं, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बशमूल पानी इंक्लूडिंग वाटर इसके अंदर दाखिल करते हैं. और रेक्टम इज द साइट फ्रॉम वेयर वाटर एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड यूरिक एसिड इज एक्सपोज ऑफ द बॉडी एज ए सॉलिड एक्सक्रीटा. ये बिल्कुल इस तरह से फीकल मैटर में नज़र आएगा आपको अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इंसेक्ट्स में, कि जो इसका फीसिस है, फुजला है, उसके एंड पे आपको वाइटिश क्रिस्टल्स नज़र आएंगे जो क्या हैं, यूरिक एसिड हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉकरोच है या इंसेक्ट्स हैं, ये दुनिया के कामयाब तरीन जानदार हैं. इनके ऐसे करेक्टर्स हैं जो बाकी किसी जानदार में नहीं पाए जाते. ये ओरल कैविटी या नेजल कैविटी से सांस नहीं लेते, इनके पास स्पाइरिकल्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, इनके पास मेटामॉर्फोसिस है. इसी तरह से इनका जो सिस्टम है एक्सक्रीशन का वो बहुत यूनिक है. ये
उन एनिमल्स में से हैं जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ फिजिकली अटैच है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।